हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग नहीं, सॉरी, आफ्टरनून है. हम लोग उठे थे 12:30 के करीब, वो भी मैं उठी. टाइम देखा 12:30 हो गए थे. सो अभी सागर जाकर लेकर आया है नीचे से पार्सल. मतलब ये पनीर पराठा है, नीचे ही हमारे रेस्टोरेंट है इंडो थाई, तो वहाँ से लेके आए. चाय भी लेके आए, तो अभी हम खाएंगे. और केला भी है ना. तो मैं थोड़ा सिर दुख रहा था, इसके लिए मैंने ना, मैं बोला जाकर नीचे जाने का ताकत नहीं है, जाके तू लेके आ जाएगा क्या, तो जाके लेकर आया. सब हम करेंगे नाश्ता, ये हमारा नाश्ता है. यस, एंड सागर ने चाय भी लाया है, दिखाती हूँ. सो गाइस, ये देखिए कैसा चाय देते हैं इन लोग. कैसे इसको एक ये सागर, मतलब इसको हाँ, बट ये इसको रोका कैसे चाय को, मतलब नीचे नहीं गिरते थे, पकड़ते रहे रैप किया ना इसके अराउंड. इस तरीके से मिलता है चाय यहाँ पे पार्सल. तो ये रही पनीर पराठा, जैसे मुंबई में और बाकी जगह पे होते हैं ना, वैसे ये पराठा नहीं है, थोड़ा नान टाइप जैसा है. मेरी आवाज़ तो क्या हो गई, लग रहा सर्दी जैसा हो गई. ये देखिए. सो गाइस, हम लोग निकल पड़े हैं अभी ऐसे ही मुस्तफ़ा मॉल शॉपिंग करेंगे थोड़ा बहुत. कुछ ऐसा कुछ स्पेसिफिक लेना नहीं है, बट जस्ट और मैंने पहन लिया कैजुअली. सो दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग. क्रॉक्स पहन लिया बिकॉज है ना, काले काले बादल छा गए. और सागर कल का ही आउटफिट और नया उसने कल पहना था ना पहले. हाँ, जो नया बैग है यूज़ की कर रहा है वो. सो आज हम लोग जस्ट कैजुअली ऐसे ड्रेस्ड अप हैं, बिकॉज की इधर जाना नहीं है ना, मतलब ऐसा कुछ अट्रैक्शन ट्रिप टूर नहीं है. मैंने बाल धो दिए और मैंने बाल ऐसे बांधा है फोल्ड करके ना. और अभी चलते हैं ऐसे स्ट्रोल लेंगे इधर ही आसपास ही ना. और अभी तो भूख नहीं लगी वैसे, फुल है पेट में. मेरा तो फुल है, सागर का कभी भी फुल ही रहता है गाइस. 365 डेज. आई एम वेरी हैप्पी. तो आज लास्ट डे है इन सिंगापुर. कल हम लोग ये टाइम पे इसके लिए दुखी हूं कि छुट्टी खत्म होने, हमेशा ऐसे होता है जल्दी खत्म हो जाती है. इस बार हम लोग फिर भी तीन जगह गए. तो चलिए अभी चलते हैं, बाहर निकलते हैं, बारिश ना जाए बस. सो हम चले लिटिल इंडिया से होके, इधर शेड है ना ऊपर, इसके लिए बाहर ओपन है ना, बाहर बारिश आएगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. साड़ियों की दुकान. तो गाइस, हम चलते जा रहे हैं मुस्तफ़ा की तरफ, और ये शॉप्स आपको रास्ते में दिखते जाएंगे. अंदर से वॉक कर रहे हैं क्योंकि बारिश बाहर आने वाली है. पूजा बात करिए मम्मी से. सो गाइस, हमने ले लिया है कोकोनट वाटर 2.5 का, और ये बहुत ही अच्छा तरीका है इन्होंने. वहाँ पे एक मशीन लगी हुई है वो वाली, उसमें रख के क्रॉस में ऊपर से प्रेस करने है. आपने इसे काटने वटने का ज़रूरत नहीं है. कैसे है, स्वीट है? मुझे भी दे. ये भी काफ़ी था, मतलब पानी ज़्यादा होगा. कैसे 150 का नारियल पानी. तो गाइस, यहाँ पे चल रहा है टाइम पास. लेना तो कुछ है नहीं, फालतू का लेने वाले तो है नहीं कुछ. अभी बोल रही थी ये कितना महंगा है, ये इसको मैं $18 क्यों दूँ, इसको मैं $20 क्यों दूँ. हाँ, देख के तुके सर्वे करने आए. हाँ, ये सब चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव है यहाँ पे. देख रही हूँ कि कुछ अगर मेरे को मिलता है क्या, वो देख रही कुछ अलग. यहाँ पे वो मिलना तो नीडल इन हेस्टैग ढूंढने के बराबर है, तुमको मिलेगा नहीं सस्ते में वो भी. चलो आगे बढ़ते रहो. बहुत एक्सपेंसिव है ये सब, हाँ, अपना इंडिया बेस्ट है इसके लिए. तो गाइस, अभी हमें मिल गया है चॉकलेट सेक्शन, जिससे देख के पूजा को कुछ कुछ होता है चॉकलेट देख के ना. तुम नहीं समझोगे, बहुत सारे चॉकलेट्स हैं यहाँ पे. कैडबरी लिटिल बार्स, हर्शीज, नट सेलेक्शन. ये लिटिल स्पॉट बहुत अच्छे हैं, आपने खाया ही नहीं होंगे तो ट्राई कीजिएगा, काफ़ी अच्छे है. सिल्क ले ले चाहिए तो रेड वेलवेट. सो गाइस, मिल गई हमें बचपन की चॉकलेट, डॉलर वाली. मैं हो गई पैसे वाली. ये देखिए, पूरा का पूरा मेरा खजाना मिल गया डॉलर्स का. इधर भी ये तो ये असली लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है कलरफुल पत्थर है. यहाँ पे काफी सारे फरेरो रोशर और बहुत सारे अच्छे अच्छे चॉकलेट्स है. क्रिसमस के लिए बहुत ही अच्छा है ना. और अगर आपको किसी के मुंह पे मारना है, यहाँ पे गाइस आपको मिलेंगे ब्यूटीफुल कप्स. ये है कौन सा सेलेक्ट, ये
नहीं ये वाला अच्छा है ना, ये ट्विन डस्ट का ये गिफ्ट सेक्शन है, काफी सारे कप्स सोविनियर्स है यहाँ पे भी, कप्स है ये कुछ, ये मैं लेके आया था एक बार, ये ऐसा वाला घंटी, ये एक्स और ऐसे ऐसे सिंगापुर के बहुत सारे आइटम्स मिलेंगे यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन हैं इनके गिफ्ट के लिए, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। सो गाइस अभी भी हम मुस्तफ़ा में हैं, एक मॉल से दूसरे जगह पर आ गए सामने वाले में, घूमते जा रहे हैं। यहाँ पे पूरे हेल्थ सेक्शन है, दवाइयों का, सप्लीमेंट्स, ये सब ऐसे घूमते जा रहे हैं हम लोग टाइम पास करते करते। सो शॉपिंग करने के बाद हमें लग गई थी भूख एंड मुस्तफा मॉल के सामने ही था कैलाश पर्वत। इंडिया से कहीं भी बाहर जाओ ना, आपको इंडिया के खाने की बहुत याद आती है, हमें तो आती है भाई, हम इंडियन खाना ही खाते हैं जब भी बाहर जाते हैं ना, बिकॉज उसके अलावा कोई टेस्टी नहीं लगता है। तो यहाँ पे हम गए, हमने सोचा कि चलो कुछ चाट वाट खा लेते हैं, बिकॉज डिनर के लिए तो काफ़ी टाइम था। तो मैंने लिया था यहाँ पे दही पूरी, बहुत टेस्टी थी एंड ऐसा लग रहा था बस इंडिया में आ गए। इंडिया का खाने का बात ही कुछ और है ना, वो हम इंडियन ही समझ पाएंगे कितना मस्त टेस्टी होता है। एंड ऐसा लग रहा था कितने दिन से मैं कुछ और ही खा रही थी, तो आज जाके ऐसा तृप्त तृप्त हो गया था मेरा मन। और कैलाश पर्वत तो फेमस तो है ही है, हमारे मुंबई में भी सब मॉल में कैलाश पर्वत मिलेगा मिलेगा। और सागर ने भी कुछ चाट लिया था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि उसने क्या लिया था, देखने में तो कुछ अलग लग रहा है, कुछ ऐसे छोले चाट ऐसा कुछ लग रहा है, तो पता नहीं शायद वो ही लिया रहेगा। एंड चाय भी लिया सागर ने मसाले वाली, उसमें एकदम भर के केटल भर के चाय आई थी और एकदम टेस्टी चाय होती है, मज़ा आ गया था खा के। सो गाइस अभी चलते चलते हम जा रहे बूगीस, बूगीस क्या बोल रही हूँ मैं, ब्यूगीस, ब्यूगीस स्ट्रीट। और हम हमारे यहाँ से ना वो 1.2 किलोमीटर ही था, तो अभी ऑलमोस्ट हम लोग आ चुके हैं, इसके टर्निंग में ही स्टार्ट होगा। और सामने बिल्डिंग भी कितनी खूबसूरत लग रही है वाली, मैं दिख तो नहीं रही ऐसा ना कुछ, उधर बहुत ज़्यादा लाइट होता है ना। टोटल कितना है अभी, 700 मीटर्स में है गाइस, चलते हैं आगे। यहाँ पे थोड़ा भीड़ भी कम है, आप देख सकते हो दोनों साइड सिर्फ गाड़ियाँ पार्क की है, तो ज़्यादा लोग है नहीं इधर। सो चलो चलो चलो, और 400 मीटर में है, यहाँ पे चलने के लिए सब मस्त है गाइस। ये देखिए यहाँ पे ना गाइस चलने मिलने के लिए एकदम मस्त है, मतलब प्रॉपर ये दिया है, स्पेस दिया है, ये नहीं कि आपको गाड़ी आके ठोकेगी, वो सब नहीं है। तो इधर इसके लिए हम लोग चल के जा रहे हैं, नज़दीक नज़दीक आप चल के जा सकते हो। और ये है यहाँ की स्काई लाइन, तो ये है ब्यूगी स्ट्रीट, ये पूरा का पूरा किधर गया मेरा हाथ, ये पूरा का पूरा स्ट्रीट ब्यूगी स्ट्रीट है। तो चलो चलते हैं, क्रॉसिंग करना है अभी इधर से भैया,